नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। तिरोड़ी थाने के अंतर्गत मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर ग्राम बोनकट्टा में रात्रि लगभग 8 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बोनकट्टा ग्राम पंचायत के उप सरपंच और उनके पुत्र पर प्राणघातक हमला किया गया। उस हमले में दोनों के सिर, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। इस संबंध में तिरोड़ी थाने में उप सरपंच महेश कुने और उनके पुत्र जितेंद्र कुने के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इन दोनों को कटंगी चिकित्सालय लाया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। उप सरपंच ने बताया कि मेरे पुत्र को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन आया था कि घर से बाहर आओ, तुम हमारी झूठी शिकायत तिरोड़ी थाने में करते हो कि हम रेत का धंधा करते हैं, तुम घर के बाहर निकलो, हम तुमको बताते हैं। और पूरे लगभग अज्ञात 15 से 20 लोग ने मिलकर हम पिता पुत्र पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। तिरोड़ी थाने के सब इंस्पेक्टर मान सिंह चौधरी ने बताया कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी फरार हैं। इन आरोपियों के पास से हमले में उपयोग की गई लोहे की रॉड और लोहे का कटर जब्त किया गया है। आरोपियों पर धारा 147, 148, 294, 323, 324, 452, 506 धाराएं लगाई गई हैं। शेष आरोपियों को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। 8 बजे मैं अपने लड़के के साथ खाना खा रहा था घर में। मेरे लड़के का खाना 2 मिनट पहले हो गया, उतने में उसको एक फोन आया कि आप कहाँ आओ, आपसे बात करना है। तो मैंने ये बोला कि खाना खा लो, उसके बाद में बात करना। ये खाना खा के उठा उसका, मेरा खाना 5 मिनट बाद हुआ। उसी पश्चात कुछ लोग गुरुदेव के साथ, गुरुदेव पुष्पोड़े के साथ कम से 20 से 25 लोग मेरे घर पे आए थे, जिन्हें कि मेरे लड़के को दरवाजे के पास से खींच के लाठी हथियार छुरा कत्ते से मारना शुरू कर दिया, जिसको देखकर मैं घबरा गया और बीच बचाव के लिए मैं भी दौड़ा। परंतु मेरे ऊपर भी 10-12 लोग उसमें से डिवाइड होकर मुझे भी रात डंडे और लाठी से मारा, और इतना मारा कि पूरा शरीर खून से कपड़े वपड़े पूरे सन गए थे, पूरे फट गए थे। आपके शरीर में उसी चोट के निशान, उसी चारों साइड में जो चोट के निशान है उसी टाइम के है, और इसमें किसी प्रकार के कोई झूठ नहीं है। मैं तिरोड़ी तत्काल एक ड्राइवर को बुला के 2 लोगों को साथ में लेके गया और पुलिस ने मुझे पुलिस रिपोर्ट, अपना डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए कटंगी भेजा। कटंगी में उपचार हुआ, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट लेकर हम तिरोड़ी आए। तिरोड़ी में FIR दर्ज की गई और हमारे समक्ष हमने जो बताया, 20 लोग बताया, उसमें 10 लोगों के नाम हमें मालूम थे, 10 लोगों के 10-12 लोगों के हमें नाम मालूम नहीं थे, अन्य में उनका नाम लिखा गया। मामला ये है कि गुरुदेव पुष्पोड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महेश खुने और जितेंद्र खुने दोनों पर, अपने साथियों के साथ मिलकर राड, लोहे की राड डंडों से हमला किया, जिससे उनके सर में चोट आई है। गुरुदेव पुष्पोड़े, राहुल डोंगरे और उनके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर लिया गया है, और जिसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आज